नेता नगरी की अग्नि परीक्षक रिजल्ट आवा में अबे थोड़ा और घंटा बची रहा है। रविवार अवेर से उज्जैन का इंजीनियरिंग कॉलेज में बोल ढूंढ की गिनती शुरू हो जाएगा। शुक्रवार कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आखो लवाज में लग के ना इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची गया। कौन कहाँ पे रहेगा, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, कौन सा कमरा, कौन सी विधानसभा गिनती, कनी टेबल पे कितना कर्मचारी, यो सब चाक चौबंद इंतजाम जमायो। शनिवार बोर्ड गिनवा वाला उनकी मार्क ड्रिल भी होएगा। एक एक विधानसभा कमरा में 14-14 टेबल उन रहेगा। उज्जैन दक्षिण में 21, तराना वडनगर में 17-17, नागदाम 20, महितपुर में 19, घटिया में 20 ने उज्जैन उत्तर में 19 राउंड में बोर्ड ढूंढ गिनती होएगा। मैंने वडनगर ने तराना का रिजल्ट सबका पहला क्लियर हो जाएगा ना, उज्जैन दक्षिण का रिजल्ट सबका बाद में आएगा। तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और एक बार आज उसी का निरीक्षण था। कल एक मॉक ड्रिल होगी जहां एक्चुअल में, जहां चूंकि कर्मचारियों को कल मालूम पड़ेगा उनको कौन सा विधानसभा अलॉट हुआ है, तो उसके बाद कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग वहां मौके पे जाके दी जाएगी, जिनसे उनको रास्ते मालूम हो, कहां बैठना है उनको मालूम हो और किस आरओ के साथ काम करना है, उसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि उनको सारी व्यवस्थाएं सही रूप से मालूम हो। सर कितने सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही है? देखिए इस बार निर्देश ये है कि स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक जो पाथ है वो सीसीटीवी की नज़र में होना चाहिए और उसका डिस्प्ले उस कमरे में रहेगा जहाँ पे काउंटिंग होनी है, तो वो सारी व्यवस्थाएं इस तरह से बनाई गई है। सर अंदर परिसर में क्या मोबाइल अलाउ रहेंगे? नहीं नहीं, मोबाइल सिर्फ आरओ यारओ के लिए अलाउ है, वो भी ओटीपी देकर जो ईटीपीबीएस की काउंटिंग होती है उसके लिए अलाउ है, बाकी मोबाइल किसी के लिए अलाउ नहीं है। मीडिया सेंटर तक पत्रकारगण अपना मोबाइल ला सकेंगे। एक बार मतगणना परिसर के भीतर जहाँ से मेन बिल्डिंग में जहाँ मतगणना केंद्र बना वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है।